आखिर चार वर्षों के लंबे वनवास के बाद एक बार फिर से भगवा आंगन में राम माधव की वापसी हो गई है सनद रहे कि 2020 में ही राम माधव को भाजपा ने अपने राष्ट्रीय महासचिव के पद से हटा दिया था उन्हें पीएम मोदी की विदेश यात्राओं के प्रबंधन के कार्य से भी मुक्त कर दिया गया था कहते हैं राम माधव की वापसी के लिए संकृत संकल्प था क्यूँकी उन्हें जम्मू कश्मीर मामलों का माहिर खिलाड़ी माना जाता है वैसे भी घाटी ऐसी धारा तीन के बाद यहाँ पहली बार विधानसभा चुनाव हो रहे हैं ये चुनाव भाजपा के लिए भी नाक का सवाल बन गया है हालांकि नए परिसीमन में अब जम्मू की सीटें सैतीस से बढ़ाकर कर तैतालीस कर दी गई है और घाटी की सीटें सैतालीस हो गई हैं पर संघ अब खुलकर भाजपा के समर्थन में मैदान में उतर आया है इस कड़ी में राम माधव उनके सबसे बड़े तुरूप का इक्का साबित हो सकते है याद कीजिए ये वही राम माधव है जिन्होंने दो में महबूबा मुफ्ती की पीडीपी का गठबंधन भाजपा के साथ कराया था सूत्र बताते हैं कि राम माधव ने भी भाजपा शीर्ष के समक्ष दावा किया है कि वे घाटी के कम से कम दस निर्दलीय और छोटी पार्टियों के विधायकों को भाजपा के पक्ष में लेकर आएंगे वे लद्दाख में भी भाजपा के पक्ष में कदम ताल करेंगे जम्मू क्षेत्र की तैतालीस सीटों पर भाजपा पहले से मजबूत स्थिति में है अगर ऐसे में राम माधव ने घाटी में खेल कर दिया तो फिर जम्मू कश्मीर में भाजपा की अगली सरकार बनने से कौन रोक सकता है हमारी वीडियोस को देखने के बाद लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।